कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित और आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी ज्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन की। ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था इसी साल मार्च 2023 में। तो भाई चलो इस वीडियो में बात करते हैं इस वाले स्मार्टफोन की और करते हैं इसका रिव्यू और क्यों है ये वाला स्मार्टफोन इतना ज्यादा फेमस और एक्चुअली ये स्मार्टफोन है कौन सा। मजाक कर रहा हूँ, टाइटल में ऑलरेडी नाम देख चुके हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं इसका इनडेप्थ रिव्यू। तो भाई ये वाला फोन है Vivo का V27। फोन की प्राइसिंग की बात करूं तो अराउंड 30,000 रुपए के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। इसका बेस वेरिएंट 128GB का स्टोरेज प्रोवाइड करता है विद 8GB रैम, UFS 3.1 का स्टोरेज मिल जाता है और LPDDR5 की रैम मिल जाती है। चलो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड की। ये फोन दिखने में काफी डिसेंट सा दिखता है लेकिन इसको छूने में काफी ज्यादा प्रीमियम सा फील होता है। और मैं आपको बता दूं कि काफी कम फोन है इस रेंज में जो कि आपको पीछे की तरफ पे ग्लास बैक देते हैं। और हां भाई, इसमें आपको पीछे की तरफ पे ग्लास बैक मिलता है और इतना ही नहीं, इसका फ्रंट और बैक जो दोनों ही ग्लास है वो आपको यहाँ से कर्व्ड देखने को मिलते हैं जो कि भाई इस फोन को अलग ही प्रीमियम फील देते हैं। लेकिन भाई क्योंकि ये 30,000 वाला फोन है तो यहाँ पे कुछ तो ड्रॉबैक मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको चारों ही तरफ पे प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है लेकिन बिलीव मी काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। और जो प्लास्टिक है ये काफी कम यूज किया गया है, इसके जो एजेस है ये भी बहुत ही ज्यादा स्लिम और स्लीक है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील होता है जब आप इसको हाथ में पकड़ते हो। फोन के लेफ्ट साइड पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, राइट साइड पे आपको इसके वॉल्यूम बटन और यहाँ पे पावर की मिल जाती है, ऊपर की साइड पे नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है और प्रोफेशनल पोर्ट्रेट लिखा हुआ दिखता है। नीचे की साइड पे सिम प्रोजेक्टर मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और स्पीकर्स मिल जाते हैं। इसका जो बैक पैनल है ये आपको फ्रॉस्टेड ग्लास का देखने को मिलता है जो कि काफी प्रीमियम सा फील होता है। और यहाँ पे आपको एक स्क्वायरिश कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है जिसमें आपको तीन लेंसेस मिलते हैं, ऑल्सो एक रिंग लाइट टाइप का फ्लैश मिल जाता है। फोन का जो इनहैंड फील है काफी प्रीमियम है लेकिन ये हल्का सा आपको बड़ा लग सकता है बिकॉज इसकी जो वेट है ये थोड़ी सी आपको ज्यादा लग सकती है। स्मार्टफोन जो है ये एक्चुअली काफी ज्यादा बड़ा है लेकिन इसकी अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप इसको इस तरीके से भी पकड़ते हो तो भी आपको कहीं से भी भारी नहीं लगेगा। और इसके वेट की बात करूं तो ये 180 ग्राम के वेट के साथ आता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होने की वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप आराम से इस फोन को यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेरे हाथ जो है ये मीडियम साइज के हैं, फिर भी मेरे को जो इसके टॉप तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है या फिर दोनों हाथों का यूज करना पड़ सकता है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। सिक्योरिटी की बात करूं तो इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो कि काफी अमेजिंग बात हो जाती है। बाकी ये आपको वाटर रेसिस्टेंट देखने को नहीं मिलता है। और इसका जो कैमरा पंप है थोड़ा सा निकला हुआ देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से अगर आप इसको टेबल पर रखते हो तो थोड़ा बहुत ही आपको बॉदर कर सकता है। वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो इतना बॉदर नहीं करेगा। अब इसके डिजाइन का सबसे यूनिक एलिमेंट बताता हूं भाई, ये वाला जो फोन है ये कलर चेंज कर सकता है, यानी कि अगर आप इसको यूवी लाइट दिखाते हो या फिर धूप में डायरेक्ट लेके जाते हो तो भाई ये जो कलर है ये डार्क कलर का हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रख दोगे तो उसकी परछाई इसमें बन जाती है। तो हां डेफिनेटली ये काफी अमेजिंग फैक्टर हो जाता है इस फोन का। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 1 बिलियन कलर्स को। ऑल्सो इसमें HDR10+ का भी सपोर्ट मिल जाता है और ये प्रोवाइड करता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1080x2400 पिक्सल्स मिल जाते हैं विद 388 PPI पिक्सल डेंसिटी। ऑल्सो इसमें 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है जो कि भाई iPhone 14 से भी ज्यादा है। दोनों में ही आप HDR कंटेंट Netflix में भी देख सकते हो, YouTube में भी ये आराम से काम करता है। तो डेफिनेटली भाई डिस्प्ले काफी अमेजिंग है इसका। ओवरऑल 10 बिट का डिस्प्ले है तो कलर्स भी काफी अच्छे खासे शो कर लेता है ये। ऑल्सो इस वाले डिस्प्ले को हमने दूसरे भी फोन्स के साथ कंपेयर किया था, वहां पे भी इसने काफी अच्छा खासा परफॉर्म किया था। यहाँ पे काफी अच्छा सैचुरेटेड डिस्प्ले मिल जाता है आपको। ऑल्सो इसमें डिटेल्स बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलती है आपको। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ ये डिस्प्ले काफी अमेजिंग है। ब्राइटनेस 1300 निट्स टॉप नॉच है, HDR10 का सपोर्ट है, ओवरऑल एक अच्छी डिटेल प्रोवाइड करने वाला शार्प डिस्प्ले है। तो डेफिनेटली हाँ डिस्प्ले इसका बहुत ही अमेजिंग है। तो भाई ये तो बात हो गई अपीयरेंस की और इसके डिस्प्ले की, अब बात कर लेते हैं कि भाई ये क्या पावर प्रोवाइड करता है, कौन सा चिपसेट है इसके अंदर। तो भाई इसके अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंड 7200 का चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि एक 4nm पे बेस्ड चिपसेट है। इसमें आपको ऑक्टा कोर सीपीयू एंड मली G610 का GPU मिल जाता है जो कि भाई मैं ओवरऑल बताऊं तो काफी डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसके जो गीकबेंच के स्कोर थे वो भी काफी अमेजिंग थे, 1187 सिंगल कोर का और 2712 मल्टी कोर का। GPU स्कोर में भी 3500 तक का स्कोर दे देता है। तो अगर क्लियरली इसके परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं तो भाई डे टू डे टास्क एकदम मक्खन की तरह ये झेल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, कहीं पे भी आपको ऐसे जिटर विटर देखने को नहीं मिलेगा। काफी स्मूथ परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है ये और डे टू डे टास्क काफी अमेजिंगली हैंडल कर लेता है। बाकी अगर बात करें इसमें गेमिंग की तो देखो इसमें आप डिसेंट गेमिंग आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने इसमें काफी ज्यादा COD खेला हुआ है और अगर इसकी सेटिंग्स की बात करूं तो इसमें लो, अल्ट्रा और वेरी हाई का ऑप्शन मिल जाता है और 60 FPS के आसपास की गेमिंग आप इसमें कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि इसको आप प्रॉपर गेमिंग फोन नहीं बोल सकते हो। हां डिसेंट परफॉर्मेंस मिलेगी आपको, काफी अमेजिंग मिलेगी। अगर थोड़ा बहुत कैजुअल गेमिंग करते हो ना तो फिर इस वाले फोन
की तरफ आराम से जा सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर प्रोफेशनल गेमर हो, एकदम गेमिंग ही करना है, फिर इस वाले फोन से थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि आपको उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जितना IQ Neo 7 दे देता है। एंड इनफैक्ट इससे थोड़ा सा सस्ता भी है वो 1-2 हज़ार रुपए। तो डेफिनेटली IQ Neo 7 को चेक कर लेना। और अभी तो IQ Neo 7 Pro भी आ गया है, तो लगभग 35,000 की रेंज के आसपास, तो भाई वो भी चेक कर सकते हो। बाकी हार्डकोर गेमिंग के लिए ये वाला फोन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी डे टू डे जितने भी टास्क है, सोशल मीडिया चलाते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हो, ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेता है, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तब ये ले सकते हो। चलो फटाफट से बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। इसमें आपको 4600 mAh की बैटरी मिल जाती है, और तो आता है 66 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ, जो कि भाई करीब 20 से 25 मिनट के अंदर आपके स्मार्टफोन को आधा चार्ज कर देगा, यानी कि 50% चार्ज कर देगा। और अगर भाई इसके टोटल बैटरी बैकअप की बात करूं तो 1 से 1.5 दिन के आसपास का तो इसमें बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। और अगर प्रॉपर इंटेंस यूज करते हो तो अराउंड 5 से 5.5 घंटे के आसपास वेरी कर जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके टास्क के ऊपर कि कौन सा टास्क कर रहे हो, उस हिसाब से अराउंड 5 से 5.5 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप इसमें हैवी गेमिंग का मिल जाएगा। हैवी गेमिंग मतलब कि अगर लगातार आप कोई ऐसा टास्क कर रहे हो तो। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी जल्दी चार्ज भी हो जाता है ये, अराउंड 40-45 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, तो बैटरी का इतना वो कोई बड़ा इशू नहीं है इस वाले फोन के साथ। चलो बात कर लेते हैं इसके कैमरास की। इसमें आपको 3 कैमरा लेंसेज मिल जाते हैं, एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। अब इसका जो प्राइमरी लेंस है, इसमें आपको सोनी का IMX766 वाला लेंस मिल जाता है, यानी कि इसमें सोनी की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिसकी वजह से आपको जो ओवरऑल इमेजेस मिलती हैं ये काफी क्रिस्प मिलती हैं। एक्चुअली ये भाई काफी अच्छा कैमरा ऑफर करता है। यहाँ पे मैं आपको इसके कुछ सैंपल्स चला के दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो सके किस लेवल का आउटपुट इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसमें कलर्स मैनेज कर रहा है। यहाँ पे आपको एक्सपोजर भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, और जो ओवरऑल डिटेल्स ये कवर करता है वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। इनफैक्ट ये वाला जो फोन है ये इस वाली प्राइस रेंज में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पे आपको सबसे बेटर फोटोज देखने को मिल जाते हैं, और इसमें आप 2x पोर्ट्रेट भी ले सकते हो, जो कि एक इसका अनदर एडवांटेज हो जाता है। वीडियोस की बात करूं तो 4K 30fps तक ये मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकता है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है ये भी आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे जो आपको फ्रंट कैमरा से आउटपुट मिलेगा वो भी काफी अमेजिंग होने वाला है। तो डेफिनेटली भाई कैमरास के मामले में फोन काफी अमेजिंग हो जाता है, प्राइस के हिसाब से बहुत ही अमेजिंग आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। चलो अब कर लेते हैं इसका साउंड टेस्ट। और भाई स्पीकर्स नहीं, इसमें सिर्फ एक ही स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है, वो है नीचे की तरफ पे, यानी कि आपको इसमें स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिल रहा है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको स्पीकर्स नहीं मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक हो जाता है, छोटा नहीं एक्चुअली बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। तो चलो सुनते हैं इसका साउंड, ये किस तरीके से साउंड करता है। स्पीकर्स की बात करूं तो यार स्पीकर्स मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे, ये इतने ज्यादा लाउडर नहीं है, तो भाई अगर आप म्यूजिक वगैरह सुनते हो तो ये थोड़ा सा आपके लिए ड्रॉबैक हो जाता है। इसके स्पीकर्स इतने खास नहीं है, लाउडनेस भी इतनी ज्यादा नहीं है, और क्लैरिटी मैं बोलूंगा ठीक ठाक सी ही है, और क्योंकि स्टेरियो नहीं है तो आपको वो मजा भी नहीं आने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके हैप्टिक्स की, तो डेफिनेटली इसमें आपको काफी अमेजिंग हैप्टिक्स मिल जाते हैं। जब आप फोन वगैरह यूज करोगे आपको एक प्रीमियम हैप्टिक्स फील होते हैं, तो हाँ डेफिनेटली ये एक अच्छी बात हो जाती है फोन की। तो भाई चलो अब बात कर लेते हैं क्या इस वाले फोन को आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो मैंने आपको इसके प्लस एंड माइनस पॉइंट्स दोनों बता दिए, तो अब आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हो कि भाई आपको क्या ये फोन खरीदना चाहिए कि नहीं। डिस्प्ले काफी अमेजिंग है, अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हो, पूरा दिन यूज कर रहे हो सोशल मीडिया वगैरह और नेटफ्लिक्स वगैरह देखना है, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ आराम से जा सकते हो। कर्व डिस्प्ले काफी अमेजिंग आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, लेकिन तब जब आप इसको हेडफोन में यूज करते हो, यानी कि अगर वायरलेस ईयरबड्स आप यूज करते हो तब, क्योंकि इसके स्पीकर इतने अच्छे नहीं है, तो अगर आप डायरेक्ट इसमें मूवीज इंजॉय करते हो तो वो उतना आपको मजा नहीं आएगा। ऑल्सो अगर आपका प्रेफरेंस गेमिंग है, टॉप एंड गेमिंग नहीं प्रोवाइड करता है, डिसेंट गेमिंग प्रोवाइड करता है, जिस वजह से इसके तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। बाकी बैटरी बैकअप इसमें अच्छा खासा मिल जाता है, डिसेंट बैटरी बैकअप है, और जो फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है तो वो भी कोई इतना बड़ा टेंशन नहीं है। इसके अलावा कैमरास काफी अमेजिंग मिल जाते हैं, बिल्ड डिजाइन काफी अमेजिंग मिल जाती है, एक प्रीमियम फोन की फील आती है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये वाला फोन काफी अमेजिंग डील हो जाता है, काफी चीजें ऑफर कर रहा है ये जो कि दूसरे फोन नहीं करते हैं। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि क्या सोचते हो आप लोग इस वाले फोन के बारे में। एंड गाइस यही था आज का हमारा वीडियो, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आई होप मैंने आपके जो कंफ्यूजन इनको दूर कर दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।